वेलकम टू ब्लशिंग ब्यूटी, हाउ आर यू डूइंग टुडे? गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपने परिवारजनों के साथ होंगे। गाइस, आज का ये वीडियो एक टोनर का वीडियो है। मैंने लास्ट में एक टोनर का वीडियो किया हुआ है जिसमें मैंने दो टोनर का रिव्यू दिया था आप लोगों को, बट आज का ये वीडियो टोटली डिफरेंट होने वाला है। आज हम जानने वाले हैं कि टोनर क्या होता है, टोनर कैसे वर्क करता है, टोनर ना यूज़ करने से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और टोनर कब कब यूज़ किया जाना चाहिए। और आज मैं आपको नेचुरल होम टोनर बना के दिखाऊँगी, होम DIY करके होम टोनर बनाऊँगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हमारी स्किन टाइप के हिसाब से कौन सा टोनर हमारी स्किन पे बेस्ट वर्क करता है। तो आइए शुरू करते हैं गाइस। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज मैंने ये कलर की लिपस्टिक लगाई हुई है, रेड शेड है इसका। वीडियो के बीच में मैं आपको इसका पूरा रिव्यू करूँगी लिपस्टिक का, मैं बताऊँगी कौन सी कंपनी की लिपस्टिक है और मैंने कहाँ से परचेज की थी, और मैं आपको इस लिपस्टिक का पूरा नाम और पूरा डिस्क्रिप्शन वीडियो में दूंगी। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि टोनर एक्चुअली क्या होता है और टोनर का काम क्या होता है। टोनर बेसिकली हमारे स्किन केयर रूटीन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे हमारा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन हो, चाहे नाइट स्किन केयर रूटीन हो, हमारे लिए टोनर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। चाहे सुबह चाहे रात को टोनर हमें अप्लाई करना चाहिए और सभी स्किन वालों को अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि आप टोनर के नाम से ही जान पा रहे हैं, टोनर हमारी स्किन को एक इवन टोन प्रोवाइड करता है, इवन टोन प्रोवाइड करता है। और वी कैन से देयर आर सो मैनी वर्ड्स, मतलब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो लोग कहते हैं। लाइक टोनर को बहुत से लोग कहते हैं रोज़ वाटर, सीरम, लोशन, अलग अलग तरह के नाम दिए हुए हैं। और हम कह सकते हैं कि एक टोनर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो वाटरली टाइप का होता है, मतलब पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, हमारी स्किन को बैलेंस देता है, मतलब टोनिंग टाइप का वाटर होता है जो हमारी स्किन को टोन करता है, एक फ्लॉलेस लुक प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्किन एकदम फ्लॉलेस दिख रही है इस टाइम पे। तो क्या होता है, हम जब टोनर का रेगुलर यूज़ करते हैं गाइस, तो हमारी स्किन एकदम फ्लॉलेस लगती है और बहुत ही अच्छा लुक आता है। हमारे टोनर की वजह से हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं वो भी क्लोज हो जाते हैं। अब टोनर बेसिकली क्या करता है गाइस, आपकी स्किन का पीएच को बैलेंस करता है, पीएच बैलेंस करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, मतलब आपकी स्किन में डलनेस नहीं आने देता है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड लगती है। जैसे कि आप देखते हैं ना, बहुत से लोगों की डल सी स्किन लगती है, वो टोनर ना यूज़ करने की वजह से लगती है। तो आप टाइम पे टोनर यूज़ कीजिए और एक अच्छा टोनर ज़रूर यूज़ कीजिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, जो एक अच्छा टोनर होता है वो आप अपने घर में बना सकते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। और ये जो टोनर्स होते हैं गाइस, ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं, मैंने लास्ट में भी बताया था, लास्ट की वीडियोस में भी बताया हुआ है। हमारे गाइस क्या होता है, ओपन पोर्स होते हैं फेस पे और पूरी बॉडी में, उन ओपन पोर्स में से ऑयलिंग होती है, मतलब वी कैन सी स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। तो उसी पसीने के कारण हमारा मेकअप ख़राब हो जाता है, हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ओपन पोर्स की वजह से हमारे स्किन में एक्नेज और पिम्पल्स होते हैं। तो जो हमारा टोनर होता है, टोनर उन ओपन पोर्स को क्लोज़ कर देता है, और ओपन पोर्स जब क्लोज़ हो जाते हैं तो पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम भी नहीं आती है, स्वेटिंग भी कम होती है। तो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है गाइस। ऑयली स्किन जिनकी है वो ज़रूर ट्राई कीजिए, ओपन पोर्स क्लोज़ कीजिए, और एक अच्छा टोनर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप टोनर यूज़ करते हैं तो एटलीस्ट डेली यूज़ कीजिए, अप्रॉक्स आप 30 से 40 दिन यूज़ कीजिए, उसके बाद आपको आपकी स्किन में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एक नेचुरल सी फ्लॉलेस स्किन लगेगी। जैसे आप देख पा रहे हैं मैं डेली टोनर लगाती हूँ और दो बार लगाती हूँ। आज मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आप कौन सा टोनर यूज़ कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं गाइस, आपको कुछ नेचुरल टोनर्स के बारे में मैं बता दूँ जो आप घर पर खुद बना सकते हैं। वो टोनर्स हैं गाइस, एलोवेरा जेल। आप एलोवेरा जेल ले लीजिए और एलोवेरा जेल में पानी मिक्स कर लीजिए, मतलब थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिए, थोड़ी क्वांटिटी का वाटर, उसे मिक्स करके आप रख लीजिए और उसको आप डेली लगाइए।
आप इस तरह आप 7 दिन तक स्टोर कर सकती हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है एलोवेरा जेल। आगे बढ़ते हैं गाइस, एक होता है एप्पल साइडर विनेगर। ये एप्पल साइडर विनेगर आप कभी भी अपने फेस पे डायरेक्टली ना लगाएं, ये बहुत ज़्यादा हार्श होता है, इसलिए आप जब भी एप्पल साइडर विनेगर लगाएं तो उसमें पानी ज़रूर मिलाइए। तो आप कोई भी बॉटल ले लीजिए छोटी सी, उसमें एप्पल साइडर विनेगर और वाटर मिक्स कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी डेली कॉटन से अपने फेस पे लगाइए, बहुत अच्छा टोनर होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है गाइस। आगे आप एक नेचुरल रोज़ वाटर ले सकते हैं, रोज़ वाटर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बट आप चेक कर लीजिएगा कि आयुर्वेदिक ब्रांड हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रोज़ वाटर एक बहुत अच्छा टोनर हो सकता है, और इसके अलावा अगर आपके पास कुकुम्बर जूस है, टमाटो जूस है, आप उसको भी टोनर की तरह यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। अब गाइज मैं आपको ये बता दूं कि आपको टोनर अप्लाई कब करना होता है। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बताया था कि आपको टोनर कब अप्लाई करना होता है, तो आइए बता देते हैं। उसको बताने से पहले गाइज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो लिपस्टिक है गाइज, मैंने ये लिपस्टिक लगा रखी है, ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है, ऑल टाइम फेवरेट। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मैं डेली लाइफ में भी यूज़ करती हूँ, जब मैं ऑफिस जाया करती थी तब भी मैं यूज़ करती थी, और इसे मैं पार्टीज़ में भी वेयर करती हूँ। बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है और ये अफोर्डेबल भी है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, अफोर्डेबल रेंज में है। ये मार्स कंपनी की है, मैं आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे दूँगी अपने वेबसाइट पे, अपने लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं गाइस तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ये मार्स प्रोफेशनल मेकअप लिपस्टिक है और इसका जो शेड है गाइस 08 है, ये एक मैटे लिपस्टिक है। अब मैं आपको बता दूं गाइस, ये देखिए, ये मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है गाइस, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये जो रेड कलर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब इस पर लिखा हुआ है कि ये मैटे लिपस्टिक है, बट गाइस ये मैटे लिपस्टिक नहीं है, ये बहुत ही क्रीमी लिपस्टिक है। आप जब भी इसे अप्लाई करेंगे तो आपको बिल्कुल मैटे वाला फील नहीं आएगा, क्रीमी सा है, जेली फॉर्मेट की है और बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका अलग से रिव्यू करूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, मैं आपको बता रही थी कि टोनर आपको कब अप्लाई करना है। तो गाइस टोनर अप्लाई करने से पहले आपको दो बातों का हमेशा ध्यान रखना है कि आपका फेस बहुत ज़्यादा क्लीन हो। मतलब ये है कहने का गाइस कि आप एक जेंटल क्लींजर से अपना फेस वॉश कीजिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी आप टोनर लगाएं तो अपना फेस एक नॉर्मल वाटर से वॉश करें, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए पानी, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, नॉर्मल वाटर से आपको पानी से फेस वॉश करना है 2 मिनट तक। फेस वॉश करने के बाद आपको सिर्फ उसे ऐसे ही सूखने देना है, आपको रब नहीं करना है आपका फेस, क्योंकि आप अगर रब करते हैं तो आपके फेस पे प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है। ऐसे ही पानी सूख जाएगा, 2 मिनट उसे दीजिए। उसके बाद आप एक कॉटन पैड में टोनर लीजिए, 2-3 ड्रॉप लगाइए, और उसके बाद डैब 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 करके लगाइए। आपको डैब 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 करके लगाना है, ऐसे रब नहीं करना है। और उसके बाद टोनर जब आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा इस, तो मेक श्योर कि आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। टोनर तभी वर्क करेगा गाइस जब आप अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। क्या सिर्फ टोनर आप लगा लेंगे तो आपका अच्छा लुक नहीं आएगा, टोनर प्लस मॉइस्चराइज़र दोनों ही इक्वली वर्क करते हैं, दोनों का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो जब भी आप एक अच्छा टोनर लगा रहे हैं तो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र भी लगाइए अपने स्किन के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, आपकी स्किन के हिसाब से कौन सा मॉइस्चराइज़र आपको सूट करेगा। तो आइए शुरू करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एक मैंने खाली बाउल लिया हुआ है गाइस, इस खाली बाउल में मैं क्या करने वाली हूँ, ये एलोवेरा जेल डाल रही हूँ। मैं आपको अपना टोनर बना के दिखा रही हूँ जो कि मैं यूज़ करती हूँ डेली, इसमें मैंने ये एलोवेरा जेल डाल दिया है। मैं अभी आपको थोड़ा सा बना के दिखा रही हूँ गाइस। एलोवेरा जेल डालने के बाद आपको ये नींबू है, नींबू आधा कटा हुआ ले लिया है, इसके कुछ ड्रॉप्स ऐड करने हैं। ये मैंने इसमें ड्रॉप्स ऐड कर लिए हैं नींबू के। नींबू के ड्रॉप्स ऐड करने के बाद गाइस, अगर आपके पास ग्लिसरीन है या हनी है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी हनी है, ये मैं हनी के थोड़े से ड्रॉप्स डाल दे रही हूँ। इतना डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है गाइस, और मैं इसे मिक्स कर देती हूँ अभी।
अगर गाइस आपके पास टमाटो है, टमाटो जूस है, तो बहुत अच्छी बात है। गाइस आज चांस की बात यह है कि मेरे पास टमाटोज ख़त्म हो गए हैं और एक भी टमाटो नहीं है, वरना मैं इस DIY पर टमाटो जूस ज़रूर ऐड करती। टमाटो जूस एंड लेमन जूस बहुत ही अच्छे आपकी टोनर हो सकते हैं, तो आप अगर आपके पास अवेलेबल है तो प्लीज़ आप टमाटो जूस ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये देखिए गाइस, मैंने इसे मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इस तरह का ये आ जाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह का लगता है। देखिए बिल्कुल वाटरली लगता है, और आपको इसको कॉटन में लेके, जस्ट मैं अपने यहाँ लगा के दिखा देती हूँ, इस तरह से लगाना होता है। कॉटन पे लीजिए और इस तरह से अप्लाई कीजिए। इस तरह से आप अप्लाई करेंगे तो आप एटलीस्ट 30 से 40 दिन अप्लाई कीजिए, और बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस लुक आता है गाइस। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये DIY कैसा लगा, और टोनर की जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की वो कैसी लगी। मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।